Okay. If you Google the definition of this word, okay, it says that you use this word when you find something satisfactory or acceptable. Acceptable. ये जो बिहेवियर पैटर्न आपने दो लोगों में देखा, क्या लगता है क्या रिश्ता है इनका? आज से 3 साल 16 दिन, सॉरी आज का गिने तो 17 दिन पहले उसका आया था पहला टेक्स्ट एट अ वर्कशॉप बिकॉज एन एनरोल नंबर वॉज नेक्स्ट. ना पसंद था उसका बिहेवियर विच वॉज वे ओवर द टॉप, बट इंप्रेशन पड़ गया ढांसू व्हेन शी सॉ मी डू हिप हॉप. जानती तो मैं उसे ड्रामा स्कूल से थी, होगा स्टार अपने बैच का, लेकिन पहले मैं क्यों बात करूं? अकड़ भी कम थोड़ी है. वो ना वर्कशॉप में ना कोई कंपनी नहीं मिली तो इनिशिएट कर दिया मैंने. अब इतना सेल्फिश तो इंसान हो ही सकता है ना? नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है. मीटिंग्स और कॉल्स बढ़ने लगे, फीलिंग्स के पॉट्स हम घटने लगे. वो जताने लगी मैंने कहा ओके, वो गिनाने लगी मैंने कहा ओके. देव चल, रिमेम्बर ओके यानी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना. अरे अच्छा बंदा है यार, एकदम सीधा है, टाइम से उठता है, खाता है, पीता है, सोता है और टैलेंटेड भी है, तो इसलिए दोस्ती भी होगी. और मेरा ना एक ही मानना है कि कंपनी ना हमेशा बेस्ट होनी चाहिए. लौंडाई करके एक दोस्त होता है जो हमेशा इस स्टोरी की ऑडियंस होता है. ये वो बन गई, हंसी उसकी बड़ी और वाइब उसकी बड़ी. शिट, फ्रेंड के आगे लग गया बेस्ट. हर 2 BHK बिकेम आर हैंगआउट नेस्ट. अरे अब मजा नहीं करेगा तो कब करेगा? साला मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है. मैंने भी बता दिया उसको मैं भी ना स्टड हूं. अपुन जब मार्केट में उतरेगा ना सबको काट खाएगा. ये किस साले बिना पूछे क्यों घुस जाती है हर बार? हो गया ना काम तमाम, अब क्या करे? दोस्ती तोड़ नहीं सकते, रिश्ता जोड़ नहीं सकते, अब चढ़ा हुआ रास्ता मोड़ नहीं सकते. फंस गया ना भाई साहब. और वो ओवरथिंक कर रहा है. रात गई बात गई, क्या फर्क पड़ता है? वैसे एक बात बताऊं, एक्चुअली फीलिंग्स हैं लेकिन उसको बताऊंगी ना तो बेचारी की फट जाएगी, इसलिए स्टड मोड ऑन रखना बेस्ट है. क्लीशे बट वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज करना तो बनता है. तो एक टेडी, एक गुलाब, 2 चॉकलेट और एक रेस्टो पे उसको इनवाइट किया, इकरार किया. उसने इनकार किया, मैंने जिद की, उसने हामी. Beginning to the end. Ab hangouts to night outs, drives to dinners, milkshakes to thick shake. Happiness to irritations, cancellations and frustrations. Karna hi nahi chahiye tha, tu layak hi nahi. ओके, जैसा तुझे ठीक लगे. गर्लफ्रेंड नहीं बट हक वही है, हालात अलग है बट वक्त वही है, गलत बट उसके लिए सही वही है. आज भी ऐसे ही घूमते हैं जैसे एक दूसरे के साथ है. हैंगआउट्स और मूवीज में उसके हाथ में मेरा हाथ है बट ये तो नॉन एक्सक्लूसिव वाला अग्रीमेंट फेज है ना. क्या फालतू गिरी, मजाक कर इश्क का ना. ओके, जैसा तुझे ठीक लगे. मैं तो लायक ही नहीं हूं ना, मैंने पहले ही कह दिया था जैसे पहले था वो बेस्ट था. तीन साल बाद हर तरीका उसको मनाने की कोशिश होती है, उसका मेरे हर जरिए को ठुकराने पर मेरी आरज़ू रोती है. कौन बताए, टकरार भी इकरार का रूप है.
तकलीफ और नफरत भी इश्क का स्वरूप है। काश वो समझ जाए, जाए वो मान। वैलेंटाइन्स है आज, क्या पता 3 साल पहले वाली बात आज फिर जन्म ले। I think it's her text. तो क्या है कि नाकाम इश्क की उम्मीद भले तू हार, बट फॉर्मेलिटी के ढोंग से ना जा, छोड़ दिया है तुझे, खींची चली गया। हुकुम है कुदरत से, प्यार है मुझे तेरी नफरत से।